दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बॉलीवुड लगातार स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरह से उनकी जो डूबती हुई नैया है वो पार लग जाए। थिएटर्स तो खुल चुके हैं लेकिन जनता जो है, जो दर्शक है वो नदारद है, और जब तक थिएटर्स खुलेंगे नहीं, दर्शक आएंगे नहीं, तब तक फिल्मों की कमाई होगी नहीं। यानी कि बॉलीवुड अपनी फिल्मों से जो करोड़ों रुपए कमाता था, फिलहाल उसके ऊपर अंकुश लगा हुआ है पिछले एक साल से। और बॉलीवुड को एक रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो अब तक 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है, और अगर यही स्थिति इस साल भी बनी रही तो बॉलीवुड को और भी ज्यादा करोड़ों हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। देखिए, इन सबकी वजह सिर्फ एक नहीं है, इन सबकी कई वजह है। देखिए, वजह तो कई सारी है लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जिसके बाद से ही लगातार जो जनता है वो बॉलीवुड के खिलाफ एकदम एग्रेसिव मोड में आ चुकी है कि हमें बॉलीवुड का बहिष्कार करना है, हमें इनकी फिल्मों को नहीं देखना है। यहाँ तक कि हम अपने मोबाइल पर भले देख ले लेकिन सिनेमा घरों तक इनकी फिल्में देखने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कोरोना का डर। लॉकडाउन में आम जनता पर महंगाई की मार, नौकरी का जाना, ऊपर से स्कूल की फीस, घर का राशन, बच्चों की बीमारी, बड़ों की बीमारी, बुजुर्गों की बीमारी, इन सब के लिए पैसे को जमा करना। और चौथी सबसे बड़ी वजह है एक हिंदू आबादी का इतना बड़ा देश भारत, जहां पर बॉलीवुड लगातार अपने उस कंटेंट को जबरदस्ती आम जनता पर थोपने की कोशिश कर रहा है, हिंदुइज्म को जिस तरह से बदनाम करने की साजिशें रच रहा है, उसके चलते जो हिंदू दर्शक हैं, खासकर जब आपकी सारी ऑडियंस ही हिंदू है, उसके बाद आप बॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह से हिंदुइज्म को गलत तरीके से दिखाओ, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करोगे, उनके बारे में गलत सलत बातें करोगे, तो जनता जो है वो तो आपसे नाराज होने ही वाली है। लेकिन जबकि वहीं पर साउथ की जो फिल्म है मास्टर, उसने अब तक लॉकडाउन में, और जबकि सिनेमाघरों में उतनी ऑडियंस नहीं आ रही है, उसके बावजूद 200 करोड़ तक की कमाई कर ली है। तो बात यहाँ पर सिर्फ आम जनता के पैसे की नहीं है कि वो सिनेमाघरों में पैसे के चलते नहीं जा रही है, बात यहाँ पर है आत्मसम्मान की, उस नफरत की जो आम जनता के दिल में बैठ चुकी है बॉलीवुड के खिलाफ, और इनकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। सिनेमाघर के मालिकों की हालत तो इतनी खराब है कि गिनकर 2-4 दर्शक फिल्में देखने जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ज्यादा दर्शक फिल्में देखने नहीं आए हैं, जिसके चलते शो को कैंसिल कर दिया जाता है और जिन दर्शकों से उन्होंने पैसे लिए होते हैं उनके पैसे वापस उन्हें लौटा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सिनेमाघर के पूरे स्टाफ को ये सख्त हिदायत दी गई है कि आप जरूरत के हिसाब से एसी चलाएं, लाइट चलाएं, पंखा चलाएं। अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो लाइट और पंखे को बंद कर दीजिए। और सिनेमाघरों ने भी अपने कई काम करने वाले वर्कर्स को बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। अब इतनी समस्या के बाद सिनेमाघर के जो मालिक हैं उन सभी ने मिलकर सलमान खान से गुहार लगाई है कि आप अपनी फिल्म राधे को ईद के मौके पर रिलीज करो ताकि हमारा जो पिछले एक साल से इतना नुकसान चल रहा है उसकी भरपाई हो सके। आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जब वो सारे फैंस आपकी फिल्मों को देखने के लिए ईद के मौके पर सिनेमाघरों में आएंगे, तब उसके बाद दर्शकों का सिनेमाघर में आना जाना शुरू हो जाएगा और जो सब कुछ पहले की तरह चल रहा था वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा और दुख की बात यह है कि जो सिनेमाघर के मालिक सलमान खान को मसीहा मानकर बैठे हुए हैं कि सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज होगी तो उसके बाद थिएटर्स में आम जनता की भीड़ पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर वो पूरी तरह से गलत, क्योंकि जो आम जनता है और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के फैन, वो सभी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज होगी और कब हम उस फिल्म का बहिष्कार करेंगे और उस फिल्म के ट्रेलर से लेकर टीजर तक को पूरी तरह से बॉयकॉट करने की कोशिश करेंगे। यानी सलमान खान से जो दुश्मनी आम जनता की इस वक्त बनी हुई है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सिनेमाघर के मालिकों को ये लगता है कि सलमान खान की फिल्म रिलीज होगी तो उनका जो दुख है वो दूर हो जाएगा। देखिए, सलमान खान का बस एक ही अचीवमेंट इस लॉकडाउन में ये देखने को मिला कि उन्होंने फिल्म के जो मजदूर हैं उनकी मदद की थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी वो थी कागज, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया, लेकिन पसंद करने की वजह सलमान खान नहीं बल्कि पंकज त्रिपाठी थे। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी जो फिल्म आ रही है वो है शाहरुख खान की पठान, लेकिन इस फिल्म में भी शुरुआत से जैसे फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है वैसे ही इस फिल्म को लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो चुके हैं। अब एक न्यूज जो ये देखने को मिल रही है कि फिल्म की शूटिंग चालू थी, वहां पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे
उसने फिल्म पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को जोरदार तमाचा धर दिया। और तमाचा धरने की वजह यह थी कि फिल्म सेट के ऊपर मोबाइल को लाना मना था, वहां पर जो रूल्स है रेगुलेशंस को फॉलो करना था वो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा था। इसी चीज को लेकर फिल्म पठान के जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने उस असिस्टेंट डायरेक्टर को कई बार मना किया कि इस तरह की चीजें मत करो, लेकिन वो असिस्टेंट डायरेक्टर मान नहीं रहा था। और इसी बात से चिढ़कर गुस्सा होकर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने उस असिस्टेंट डायरेक्टर को जोरदार तमाचा धर दिया, जिसके बाद जवाब में उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सिद्धार्थ आनंद को तमाचा रसीद कर दिया। और हुआ नतीजा ये कि उस असिस्टेंट डायरेक्टर को फिल्म से बाहर कर दिया गया। लेकिन शाहरुख खान इस बात से लेकर, इस घटना को लेकर इतना डर गए हैं कि उन्होंने फिल्म सेट के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी है। उन्हें इस बात का डर है कि कल को उन्हें भी कोई झापड़ मार सकता है, इस तरह का तमाचा रसीद कर सकता है। और यहां तक कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी, जो फिल्म सेट के ऊपर महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी शाहरुख खान काफी डरे हुए हैं और काफी चिंतित हैं। देखिए, बॉलीवुड की हालत तो ऐसी है कि सांसें चल रही हैं, लेकिन जो आम जनता है उसने बॉलीवुड को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन इस बात से जो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं, करोड़पति हैं, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फिल्में चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए की कमाई है और ब्रांड वैल्यू है, जिसके चलते वो अपनी कुछ न कुछ कमाई तो कर ही लेंगे और जनता की नजरों में कहीं ना कहीं बने रहेंगे। लेकिन इन सभी चीजों से जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो है सिनेमाघर मालिकों का और उन फिल्म मजदूरों का जो छोटे से छोटा काम फिल्म शूटिंग के दौरान करते हैं, चाहे वो सेट बनाना हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे जो भी हो, जितने भी छोटे छोटे मजदूर वहां पर काम करते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो उनके घर पर दिया नहीं जलेगा, उनके घर का राशन नहीं भरा जाएगा और वो भूखे रह जाएंगे। कई सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्हें फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने अभी तक बुलाया नहीं, जो लॉकडाउन के दौरान अपने गांव गए हुए थे उन्हें अभी तक नहीं बुलाया गया क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, जिसके चलते वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन फिल्म की जो यूनियन है, फिल्म सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन, जो मजदूरों के हितों के लिए काम करती है, जो उनकी रक्षा करती है, जो उनकी हर आवाज को बुलंद करने का काम करती है, वो लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक उन मजदूरों को, चाहे वो राशन मुहैया करवाना हो, चाहे उनकी बीमारी का खर्च हो, चाहे उनके घर पर छोटी से छोटी चीज हो, उन सभी चीजों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। यूनियन यही चाहती है कि किसी तरह से ये जो मुश्किल भरा समय है वो निकल जाए और जब फिल्मों की शूटिंग फिर से उसी तरह से चलने लगे जैसे चला करती थी, तब जाकर उन्हें थोड़ी सी शांति और सुकून मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही बॉलीवुड के लिए और मजदूरों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना यही होगा कि इनकी जो चिंता है, इनका जो दुख है, वो कब जाकर खत्म होगा और कहां जाकर कैसे खत्म होगा, किन हालातों में खत्म होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, आपकी जो भी राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।